मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, आपके प्रिंसिपल मैडम भी हिंदी साहित्य की अध्यापक हैं। हिंदी साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें कवियों की कविताओं में ऐसे दृष्टांत मिलते हैं जिससे पता लगता है कि ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती थी उस दौर में। सूरदास जैसा कवि जिसकी ख्याति केवल और केवल वात्सल्य के कवि के रूप में है, दुनिया कहती है कि सूरदास का मतलब है वात्सल्य का कवि, प्रेम का कवि, भक्ति का कवि, पर वो कवि अपने समय की ब्यूरोक्रेसी पर कितने कमेंट्स कर रहा था इस पर नज़र बहुत कम लोगों की जाती है। सूरदास एक गरीब आदमी थे, माना जाता है कि वो अंधे भी थे, ब्लाइंड भी थे, देख नहीं सकते थे, दृष्टिहीन थे। दिल्ली से थोड़ा बढ़ेंगे अगर आप फरीदाबाद के आगे बल्लभगढ़ के पास एक जगह है सीही नाम की, वहाँ रहते थे। एक जिक्र मिलता है और ये बात है 16th century की, संभवतः अकबर के शासन के समय की बात है या अकबर के एकदम बाद की बात हो सकती है, उसी दौर की बात लगभग है। टैक्स होता था दस्तक, दस्तक एक टैक्स का नाम भी था और टैक्स की वसूली के सिस्टम का नाम भी दस्तक था। सूरदास से टैक्स मांगा गया, उस गरीब आदमी के पास शायद उस साल फसल वसल नहीं हुई होगी, जो भी स्थिति होगी वो टैक्स देने की हालत में नहीं थी। उसके बाद सरकार के कुछ लोग आए जिसको आजकल हम बोलते गजटेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी, वो कौन होता है जिसके पास एक स्टैम्प होती है। पहले वो स्टैम्प कहाँ होती थी, उंगली में होती थी, मुद्रा के रूप में होती थी। तो राजमुद्रित जो अधिकारी था, यानी कि जिसके हाथ में राजमुद्रा है, स्टेट की सील जिसकी अंगूठी में है वो, और सूरदास एक कविता में चुपचाप लिख के सारा इतिहास बता के चले गए। वो कह रहे हैं मोहरिल, मोहरिल का मतलब मोहर वाला आदमी जिसके हाथ में मोहर है, मोहरिल पांच साथ कर दीने तिनकी बड़ी विपरीती। पांच मोहरिल आए हैं, बहुत विपरीत व्यवहार कर रहे हैं, जिम्मे उनके मांगे मोते हैं, उनके जिम्मे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि मुझसे मांगे, यह तो बड़ी अनीति। 5-25 साथ अगवानी, 25 लोग और साथ में आए हैं, सब मेरी काज बिगाड़े, सब ने मेरा काम बिगाड़ दिया, मेरे घर का सामान बाहर फेंक दिया। सूरदास की यह बीनती दस्तक कीजिए माफ, सूरदास विनती कर रहे हैं राजा से कि दस्तक माफ कर दीजिए। ऐसी ब्यूरोक्रेसी होती है उस शासन में जहां पर शासन का उद्देश्य जनता का कल्याण नहीं होता बल्कि जनता से लूटना होता है, खसोटना होता है, और तब हमें लगता है कि राज्य को कल्याणकारी होना चाहिए, वंचित वर्गों के पक्ष में होना चाहिए, और वैसा ही ब्यूरोक्रेसी को भी होना चाहिए। इसलिए जब हम आज़ाद हुए तो हमने संविधान लिखते हुए तय किया कि हम एक वेलफेयर स्टेट बनेंगे।